नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे हुए चाकघाट बाजार में बीती देर शाम 3 पेटियां लाबारिस हालत में बाजार में पड़ी मिली हैं। स्थानीय लोगों ने पेटियां लाबारिस हालत में रखे होने की सूचना तत्काल चाकघाट पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों पेटियों को कब्जे में लेकर पड़ताल कर रही है। यह पूरा मामला चाकघाट बाजार का है, जहां पुराने पुलिस थाना के पास बंद दुकान के बाहर लाबारिस हालत में 3 पेटियां मिलने से नगर में सनसनी फैल गई। दुकान के बाहर लाबारिस हालत में पेटियां रखे होने की जानकारी जैसे ही एक दूसरे को लगी तो मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई। लोग भयभीत भी थे कि इन पेटियों में कहीं कुछ गलत सामग्रियां ना हो। सबके मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि ताले जड़े इन पेटियों के अंदर आखिर क्या होगा। बता दें कि 3 बड़ी पेटियों में से एक पेटी में 3 ताला जबकि 2 पेटियों में एक एक ताला लगा हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त पेटियों का वजन भी काफी भारी था। बता दें कि सर्वप्रथम लोगों ने दुकान मालिक से संपर्क भी किया और पेटियों के संबंध में जानकारी ली, परंतु दुकान मालिक को भी उक्त पेटियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने चाकघाट पुलिस को तत्काल दी। पुलिस की उपस्थिति पे जब तीनों पेटियों को खोला गया तो पेटियों में बर्तन, कपड़े इत्यादि विभिन्न सामान मिला। इस पेटियों का मालिक कौन है एवं इन पेटियों को उक्त बंद दुकान के बाहर किसने रखा अथवा यह पेटियां किस स्थिति में वहां रखी गई हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, परंतु पुलिस द्वारा पेटियों को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है।